In our EVA chapter number 18, too much water, too little water. Next point is think and discuss. Why do you drinking water places get dirty? क्यों होते हैं पानी पीने वाली जगह खराब dirty? तो water often gets spilled while taking out or washing hands. पानी लेते समय या हाथ धोते समय पानी नीचे गिरता है और जगह गंदी होती है. What can do to keep these places clean? By cleaning it regularly. ऐसे जगह क्लीन रखने के लिए हमें रेगुलरली उसकी सफाई करनी चाहिए. How often? Once a day, once in 2 days, etc. Are the containers or the mudguards and ladles cleaned? Who clean them? आपके स्कूल में जो भी यूज़ होते हैं मटका, कंटेनर्स या लैडल, वो कितने में, मतलब कितने समय बाद वो साफ किए जाते, मतलब दिन में एक बार, दो दिन में एक बार, और उन्हें साफ कौन करता है? The containers और मटका या लैडल are clean once in a day and the pune और आंटी जी इन आवर स्कूल क्लीन दे. हमारे स्कूल के प्यून या आंटी जी उन मटके को, कंटेनर्स को साफ करते हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन योर स्कूल? हाउ मेनी टैप्स, मटकास और हैंडपम्प्स आर देयर? आर दिस सफिशियंट फॉर चिल्ड्रेन? यस, देयर आर अबाउट 786 चिल्ड्रेन इन माई स्कूल. देयर आर 10 ड्रिंकिंग वाटर टैप्स एंड दे आर सफिशियंट फॉर ऑल चिल्ड्रेन. Who cleans the places near water? आपके पानी के नज़दीक में जो जगह है उसे कौन साफ करता है? The pune cleans the places near water. हमारे प्यून उस जगह को साफ करते हैं. Where does the water that is spilled go? जहाँ पानी गिरता है वहाँ से वो कहाँ जाता है? Water that is spilled go to the sewer line. वहाँ से गिर के पानी नज़दीक वाले नाले में बहकर जाता है. Group टू, ऑब्जर्व एंड नोट. हमारा सेकेंड ग्रुप नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे. पुट राइट इन द बॉक्स एंड राइट वेयर रिक्वायर्ड. व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल? बिल्टअप टॉयलेट. ज़्यादातर हमारे स्कूलों में बिल्टअप टॉयलेट्स ही होते हैं, ओपन एरिया में नहीं जाते. हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर? देयर आर 5 फॉर गर्ल्स एंड 5 फॉर बॉयज. आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज? लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स है? यस, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स के अरेंजमेंट है. इज देयर वाटर इन टॉयलेट्स? यस, सारे टॉयलेट्स में पानी आते हैं. कहाँ से आता है पानी? यह आता है टैप से. इज देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट? यस. बट डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स? यस. इज देयर एनी टैप दैट लीकेज और ड्रिपिंग? कोई ऐसा नल है जो लीक हो रहा है? नहीं है. नो. आर द टॉयलेट्स कीप क्लीन? यस, देयर आर लॉट ऑफ क्लीननेस इन आवर टॉयलेट्स. फाइंड आउट एंड राइट. हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल? देयर आर अबाउट 400 बॉयज एंड 350 गर्ल्स इन माई स्कूल. हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मेनी फॉर बॉयज? यस, 5 फॉर बॉयज एंड 5 फॉर गर्ल्स इन माई स्कूल. एंड टू कीप आवर टॉयलेट्स क्लीन. हम अपने टॉयलेट को क्लीन करने के लिए रेगुलरली उसे अच्छे से साफ सुथरे तरीके से रख सकते हैं. What can each of us do to do this? We should not create any kind of mess in the toilet and we should always try to maintain the cleanliness. क्या आपने कभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स को देखा है? वो हमारे घर के टॉयलेट से किस तरह से डिफरेंट होते हैं? ज़्यादातर हमारे घर के टॉयलेट्स हम खुद ही यूज़ करते हैं और हम उसको अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से रखते हैं. लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस के टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, जैसे कि बस स्टैंड में या फिर रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आके टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए ज़्यादातर वो सभी जगह उतने साफ़ सुथरी नहीं रहती. उसी तरीके से ग्रुप तीन वाले बच्चे अपने क्लास के बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में पता लगाएंगे और जो लोग कहते हैं कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनसे क्या हो सकता है, उनके लिए एक स्पेशल इंस्पायरिंग स्टोरी. ये कहानी है कर्नाटका के होलगुंडी एरिया की. कई सालों से इस गांव में पानी की समस्या थी. पिछले 3 सालों से यहाँ पे ठीक से बारिश भी नहीं हुई थी. एवरीथिंग हैज स्टार्टेड टू ड्राई अप देयर. देयर वॉज नो ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो. लोग उस गांव को छोड़ छोड़ कर जाने लगे थे और बच्चों को भी अपना स्कूल छोड़कर अपने बड़ों के साथ चले जाना पड़ रहा था. गांव की पंचायत को बहुत चिंता होने लगी थी. सब लोग मिलकर डिस्कस करने लगे कि क्या कर सकते हैं. उनके गांव के पंचायत में कुछ स्पेशल मेंबर्स भी थे, द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघा. बच्चों ने सभी बड़े लोगों से पूछना शुरू किया कि हमारे गाँव में जो पानी की कमी है, क्या वो हमेशा से थी? तो सभी लोगों ने बोला कि नो, इट वॉज नॉट सो बिफोर. कुछ लोगों ने कहा
कि देयर अप ऑन द हिल देयर यूज्ड टू बी अ वाटर टैंक। हमारे गांव के पास जो बड़ी सी पहाड़ी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा वाटर टैंक हुआ करता था। जब बारिश के दिनों में बारिश होती थी तो वो टैंक पूरा भर जाया करता था और पूरे साल भर हमारे लिए पानी रहता था। कर्नाटका कहाँ है? कर्नाटका इज इन द साउथ जोन ऑफ आवर कंट्री। तो फिर हिल के ऊपर बने हुए उसी टैंक को देखकर भीमा संघ को आइडिया आया। बच्चों ने सोचा क्यों ना उस टैंक को हम उसकी मरम्मत करें ताकि फिर से हमारे गांव की ग्रीनरी वापस आ सके। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन्ड, द क्रैक्स वर रिपेयर्ड, ग्रास एंड ट्रीज वर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक। और जब अगले साल बारिश हुई तब धीरे धीरे एक साल दो साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो टैंक पूरा भर ही गया। द वेल्स एंड द पॉन्ड्स इन द विलेज हैड वाटर अगेन एंड देयर वाज ग्रीनरी वंस अगेन। भीमा संघ की वजह से गांव में एक और बार खुशहाली आ गई और फिर कभी गांव के लोगों को पानी की दिक्कत नहीं हुई। वो बच्चे जिन्होंने उस टैंक को पूरे नई तरीके से बनवाया था वो बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी उस गांव के नए नए बच्चे उस भीमा संघ में जुड़ते हैं और एनवायरनमेंट को बचाने के काम को आज भी उन्होंने जारी रखा हुआ है। इस तरह से पूरा किया है हमने चैप्टर, कर लीजिए इसका पूरा काम आपके कॉपी में। थैंक यू वेरी मच।